फेसबुक और यूट्यूब के सभी साथियों को जंग हिंदुस्तानी का आदाब और नमस्कार। मित्रों, आज हम लखीमपुर खीरी जनपद के तिकुनिया के सूरत नगर में हैं। सूरत नगर बाढ़ विस्थापितों का गांव है और सरकार ने इस गांव को बसाने की कोशिश की है। आइए जानते हैं इसकी हकीकत। माता जी, पहले आप लोग कहाँ रहती थी? सूरत नगर। वो कहाँ पर पड़ता है? नदी के पास। तो फिर कैसे, क्या दिक्कत हुई थी वहाँ पर, कैसे? नदी काट ली, इस बाढ़ ही आई के बाद नदी जमीन सब काट ली। तो हम लोग समेटी मंडी में बैठे रहे हैं, तो वहाँ से यहाँ जमीन मिला है तो हम लोग आए हैं। तो यहाँ कितना दिन हुआ है? चार साल समीर नगर है। क्या क्या चीज़ें दिया? कॉलोनी दिया, जमीन दिया। जमीन कितना कितना जमीन आदमी को मिला? कितना मिले ना दिया उनको तो भाई मालूम नहीं। वहाँ आपका कितना जमीन छूट गया? वहाँ तो बहुत जमीन छूट गया। आपके पास कितना जमीन थी खेती करने के लिए वहाँ पर? मैं रहा खेती करने के लिए 7-8 एकड़ रहा फारिश में, 1.5 एकड़ बाटे यहाँ पट्टा वाली लाइटरी घीचे रहे। अच्छा, तो अभी जो है वो वाली जमीन सब छूट गई? छूट गई पानी। और यहाँ कोई खेती करने के लिए जमीन है आपके पास? नहीं, यहाँ घर घर है, केवल ये घर है। वो कहाँ कैसे पानी पीते हैं? हैंडपम्प लगाया है सर। छोटा छोटा हैंडपम्प लगा है। और आपको कोई बड़ा इंडिया मार्क का हैंडपम्प नहीं मिला है? बिजली की व्यवस्था तो आपके गाँव में हो गई है जी। इसके अलावा कुछ सोलर लाइट वगैरह भी लगाई गई है, लेकिन मेन समस्या सर हमारी ये है कि बरसात के समय में हमको बहुत दिक्कत होती है। पहले ये चूंकि खेत पात था, अब नए सिरे से सारा कुछ बन रहा है तो यहाँ खम्भर सब चीज आराम रहा है, अब यहाँ है तो बहुत परेशानी। अभी ये जाड़े का महीना चल रहा है तो जलौनी वगैरह कहाँ से पाती हैं आप? कहाँ से, जैसे अपन जंगल 10 किलोमीटर है, नहीं जाए तो पाए नहीं। कहीं जाए तो लाए तो नहीं, खर्चा छोड़ के जाए तो पाएंगे। अब मजदूरदार मनाई की मंजूरी करी कि कहाँ जाए। यहाँ केवल आवास है और कोई खेती पाती नहीं, नहीं। तो फिर काम कैसे चलता होगा? अच्छा, नदी के कटान से प्रभावित हुए थे और इसके बाद में तत्कालीन जिलाधिकारी श्री अजय शंकर पांडे जी और उसके बाद किंजल सिंह जी ने इस गांव को बसाने का प्रयास किया। गांव तो बस गया, लोगों को जमीन खरीद करके दे दी गई, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो इस गांव में ये है कि इनको अभी सामुदायिक अधिकार उस तरह का नहीं मिला है, जैसे इनके पास निकटतम में विद्यालय नहीं है, पानी पीने के लिए इनके पास वही पुराना इंडिया मार्क का हैंडपम्प नहीं लगा है, छोटा नल है, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कतें आती हैं, बीमारियों का समस्या और ये सारा। इसके अलावा सामुदायिक अधिकारों में इनके पास कब्रिस्तान की कोई ज़मीन नहीं है। अब इनको अगर इनके घर में किसी प्रकार किसी का कोई मृत्यु हो जाता है या कुछ होता है तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर इनको ले जाना पड़ता है। तो ये सब सामुदायिक अधिकारों के लिए भी सरकार को ज़मीन की व्यवस्था करनी चाहिए, निकटतम में इनके इंडिया मार्क का हैंडपम्प इनके यहाँ लगना चाहिए, इनके रास्ते ठीक होने चाहिए। और इसमें जितना सरकार ने किया है वो अभी पूरा पर्याप्त नहीं है और उम्मीद है कि इस बारे में जब सरकार ने इतना अच्छा करना सोचा है तो ये कुछ और अच्छा किया जाए तो बहुत बेहतर हो सकता है।